ऑपरेशन से ठीक हो जाएगी ना फिर? हाँ बिल्कुल, आपकी बेगम ठीक हो जाएगी। भाभी प्लीज़ आप जाके स्टाफ से अपना बीपी चेक करवा लें, मुझे कुछ फयाज साहब से मेडिसिन के बारे में बात करनी है। जी ओ, 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 मैं नहीं नहीं अरे आ जाओ। सिस्टर सर देखे, हाँ 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 कोई नहीं, मैं इधर ही हूँ, इधर ही इधर ही। तशरीफ रखिए फयाज साहब। जी सर। देखिए फयाज साहब, मुझे आपके मिसेज सामने कुछ नहीं कहना था। इस सब कुछ सुनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए। क्या क्या हुआ है डॉक्टर साहब? देखिए आपकी मिसेज की 4 आर्टरीज बंद हैं, दिल बहुत कमज़ोर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर लेवल है, इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देखिए फिर ये कि एक डॉक्टर होने की हैसियत से सब कुछ बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाता ना, आप दवाइयों से भी तो काम चल सकता। फयाज साहब दवाइयाँ बेअसर हो चुकी हैं, और कभी ना कभी तो आपको ऑपरेशन करवाना होगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, चला ऑपरेशन कामयाब रहेगा। उम्मीद को शक में डालकर आप मुझे, और उम्मीद रहने के लिए कह रहे हैं? फयाज साहब मैं एक डॉक्टर हूँ, हकीकत बताना मेरी मजबूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के से बेस्ट हार्ट सर्जन के साथ काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। जी जी आप हौसला रखिए। आ जाओ। क्या हुआ है आपको? जो भी हुआ है तो मैं इससे क्या, तबीयत खराब है आपकी? मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहां से। क्यों खफा है मुझसे? मैंने क्या किया ऐसा? अच्छा, मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर दिया, मेरे मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया, और अब मुझसे कह रही हो कि मैं क्यों खफा हूं तुमसे? तायमी, मैंने किसी को आपके खिलाफ नहीं किया है, पता है? आप मुझे नहीं अपना रही है ना, इसलिए सारा मसला हो रहा है। ओ, मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। बहुत अच्छा, अपने बेटे की शादी तुमसे कर दी, अपनी पोती तुम्हारे सुपुर्द कर दी, अभी भी तुम ये कहती हो कि मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। कल जैसे राशिद मुझ पर बरसा, सना की चोट का जिम्मेदार मुझे ठहराया, उससे साफ जाहिर है कि तुम राशिद के हवासों पर इस तरह से सवार हो कि वो माँ का अदब करना ही भूल गया। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता तो है राशिद सना के लिए बहुत पजेसिव है, बस उसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना। अच्छा खैर, बस अब छोड़े ना, जाने दें बातों को। अगर आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ। अरे भाई जाओ, मुझे तुमसे अपनी फिक्र नहीं करवानी, जाओ यहाँ से। अच्छा मैं सर दबा देती हूँ आपका। मैंने तुमसे कहा ना जाओ,
मुझे नहीं करवानी तुमसे अपनी खिदमत। वैसे भी मैं दवा लेकर लेटी हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी नींद गायब हो जाए और दर्द फिर से शुरू हो जाए। जाओ। क्या बात है फयाज, क्यों खामोश बैठे? नहीं, मैं वो सोचा था कि तुम्हें नया घर दिखा दूं। कौन सा नया घर? घर जो मैंने पसंद किया है तुम्हारे लिए, हमारे लिए। क्या जरूरत थी? हम अपने पुराने घर मोहल्ले में खुश तो हैं। नहीं नहीं, जरूरत है। मेरा दिल चाहता है अपनी बेगम की दुनिया की सारी खुशियां, और पैसे भी है मेरे पास। मैं तो कम पैसों में भी फयाज आपके साथ बहुत खुश थी। और फिर उस घर में यादें बहुत हैं। तुम तो हर हाल में खुश रह लेती हो, लेकिन भाई हम नई जगह जाएंगे, वह नई यादें बन जाएंगी। हाँ, नई जगह पर वक्त गुजारने से यादें बनती और मेरे पास वक्त ही तो नहीं। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? वक्त है तुम्हारे पास, हमारे पास है वक्त। बस हम जल्दी से ये नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बल्कि सुनो, मेरे ख्याल तुम्हारे ऑपरेशन से पहले ही शिफ्ट हो जाते वहां, ठीक है? जैसे आपको ठीक लगे। हाँ, करीम वो ले लो, वो बंगला जो डीलर ने दिखाया था ना, बस उस तरफ ले लो, चलते हैं। दिनों से इफ्रा नहीं आई, उसको बुला ली शाम को। हाँ, तुम ये घर तो अपना पसंद कर लो ना, फिर मैं करता हूँ उसे फोन, आ जाएगी वो। परेशान नहीं हो। जी अबू, मैं बस आती हूँ। अम्मी का ख्याल रखना। हाँ, अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, अब हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, रोना तो बंद करो, बताओ क्या करें? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कोई खास उम्मीद नहीं दिलाई, कह रहा ऑपरेशन कामयाब भी हो सकता और नहीं भी। अल्लाह खैर करेगा, चलो चलते हैं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम क्यों चली जाओगी? मैं भी साथ चलूंगा। वो सना को भी तैयार कर लो, वो भी जाएगी। मैं अम्मी को जरा सलाम कर लूंगा। ताहमी सो गए, उनके सर में दर्द था, दवा खा के सो गई। चलो देख लेते हैं, बस निकलो, वो उसको तैयार कराओ।
रशीदा जी बाजी, मेरे कमरे में कोई आया था? आया तो कोई नहीं था, हाँ सब लोग बाहर चले गए। मतलब राशिद साहब और इफ्रा बाजी सब बाहर गए हैं। कहाँ? इफ्रा बाजी कह रही थी कि वो अपने मायके जा रही है राशिद साहब के साथ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी नहीं, राशिद को मेरी जरा भी परवाह नहीं, काम से आया और इफ्रा को लेकर निकल गया। मैं अपने कमरे में थी, मेरे कमरे में आया तक नहीं, मेरा हाल नहीं पूछा और बीवी को लेकर उसके माँ बाप के घर चला गया। हेलो, हाँ नादरा। नादरा मैं बीमारी का बहाना करके अपने कमरे में लेटी रही, राशिद अपने काम से आया, मेरे कमरे में आए बगैर, मेरा हाल पूछे बगैर अपनी बीवी को लेकर उसके माँ बाप से मिलने चला गया। मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ। क्या हो गया तुम्हें? हाय मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, लेकिन किसी को मेरी फिक्र नहीं, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। अरे मुझे परवाह है, फिक्र कर तो रहा हूँ तुम्हारी। चलो आओ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मुझे यहीं पड़ा मरने दें, डॉक्टर के पास नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे मरने दूं, क्या हो गया तुम्हें? चलो उठो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे अरे मुख्तार साहब, आपने अपनी भतीजी की चालाकियां देखी हैं? अरे कैसे बेटे का दिल माँ की तरफ से खट्टा कर रही है वो। अरे उसने ऑफिस से आकर बीमार माँ का हाल तक नहीं पूछा और उसे दरवाजे से ही लेकर चली गई, निकल गई। उसने कमरे में आकर झांका तक नहीं कि माँ दर्द से मरी जा रही है, मरी जा रही है। ये तो बहुत बुरा किया उसने, तुम्हारा हाल पूछना चाहिए था उसे। वो आते तो मैं पूछता हूँ उससे। तुम उठो चलो डॉक्टर के पास तो चले। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मुझे यही मरने दे मुख्तार साहब। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो यार? क्या हो गया? क्या हुआ खैरियत? अम्मी कहाँ थे तुम? मैं वो इफ्रा के साथ चाचा के घर था। तो तुम्हें पहले अपनी माँ की खबरगिरी करनी चाहिए था कि वो किस हाल में। वो इफ्रा ने मुझे बताया था कि अम्मी ने दवा खा ली और वो सो रही है। देख लिया आपने? अरे देख लिया आपने अपनी भतीजी की चालाकियां, किस तरह मेरे बच्चे को माँ से दूर कर रही है वो। अम्मा मैं भी देख के गया था, आप सो रही थी, मुझे लगा सुकून में। खैर फिर भी तुम्हें माँ का ख्याल करना चाहिए, माँ से बड़ा रिश्ता और कोई नहीं होता। तो अम्मा उठे हैं, आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो जान के? राशिद भी आ गया है, तुम्हारी बात भी मान रहा है और तुम बच्चों की तरह अटक गई हो एक जगह पे। नहीं मैंने कहा ना नहीं जाना, मुझे ऐसे ही मरने दे। ओहो उठे ना चलें, वरना उठा के ले जाऊंगा आपको। एक काम करो तुम, डॉक्टर को यहीं ले आओ, वो चेकअप कर लेगा। लेके आता हूँ मैडम। हाय मेरा सर, डॉक्टर। चाय बनवाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाय मुख्तार साहब, हाय मेरा सर, डॉक्टर। हाय हाय हाय। कैसी तबीयत है तायमी की? अच्छी भली तो थी, जैसे बड़े साहब आए तो ये ड्रामा शुरू कर दिया। क्यों गलत बात कर रही? हो सकता है वाकई सर में दर्द हो। वैसे पहले कभी होता था क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा, आज ही हुआ है, वो भी शाम के वक्त जब बड़े साहब आए थे।
अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं जाके तबीयत का पूछ लूंगी। आप ना ही जाए इफ्रा बाजी तो बेहतर है, वो सारा इल्जाम आप ही को तो दे रही है। तुम जाके अपना काम करो, मैं कर लूंगी जो मुझे करना है। ब्लड प्रेशर तो इनका नॉर्मल है। फीवर भी नहीं है। शुक्र। हो सकता है माइग्रेन अटैक हो। मैं भी इन्हें पेन किलर लगा देती हूँ। दिमाग का चेकअप बहुत जरूरी है। कल सुबह जाके आप न्यूरो सर्जन से मिल लें। हो सकता है ट्यूमर या नहीं नहीं कोई ट्यूमर नहीं है मेरे दिमाग में। हाँ ये तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा मिसेज मुख्तार। आप पेन किलर लगवा लें, दर्द में आराम आ जाएगा। नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, आ जाएगा आराम मेरे। छोड़ दें आप, छोड़ें। क्या हो गया नरगिस, दर्द से तकलीफ में इतना परेशान हो रही है? तो लगवा लो, आराम आ जाएगा। राशिद लगवा। नहीं राशिद मुझे नहीं। ओहो क्या हो गया माँ? बस 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 पतली सी सुई है, लो बस इतना सा काम था, ये भी लगा दे। कैसी तबीयत है ताइमी की? खुद जाके देख लो। मैं जाती ना तो उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाती। बात सुनो, डरना वरना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। डरती नहीं हूं मैं, बस ख्याल करती हूँ सबका। सब में कौन कौन आता है? ताई अम्मी, ताई अबू और आपको लगता है ना मैं आपका नाम लूंगी? ऐसा नहीं होगा। जाहिर है मुझसे तो तुम नफरत करती हो। नफरत नहीं करती मैं, मोहब्बत भी नहीं करती। मेरे आपके रिश्ते में मोहब्बत जरूरी नहीं है। हाँ इतना है कि मैं नफरत नहीं करती, इतना काफी है। बातें अच्छी करती है। सना नींद में उठ के दूध मांगती है, फीडर बनाने जा रही है। सिफारिश कर दे। अरे कैसी तबीयत नादरा, तुम्हारी एक भी चाल कामयाब नहीं हुई। पहले तो बिला वजह में मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ा, इतना दर्द हो रहा है, और फिर मुख्तार अब जिद कर रहे हैं कि मेरे साथ न्यूरो सर्जन के पास चलो। देखो नादरा, अगर यही सब चलता रहा ना तो मुझे अपने दिमाग का ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। अच्छा तो ये सब कुछ तुम दंग करने के लिए कर रही हो? नाश्ता बना दिया मैंने, जाके कर लिया। तुम भी कर लो ना नाश्ता, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। मैं बाद में कर लूंगी। देखो तुम्हारा ये रवैया जो है ना, ये मेरा मीटर घुमा देगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब सब कुछ नॉर्मल कर लो जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं। जो हो गया सो हो गया,
माजी में जो है भूल जाओ। माजी को भूल सकते हो लेकिन समरा आप ही की मौत को नहीं। हाँ समझ सकता हूँ लेकिन अगर उसको अल्लाह की रजा समझ लो तो भूल जाएगी बात। अल्लाह की रजा जान के तो अब तक जिंदा हूँ मैं, इस घर में रह रही बच्ची को संभाल। इतना कुछ करिए तो एक काम और भी कर लो, मुझे भी कबूल कर लो। सना के बाप के तौर पर नहीं, अपने शौहर के तौर पे। बीवी हो मेरी, निकाह में हो मेरे, बस जो हुआ सब भूल जाओ ना, आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं, यकीन करो ना। टूटा हुआ यकीन आसानी से नहीं जुड़ता राशन, वक्त लगता है। एक तो हर चीज में वक्त लगता है, अब कितना वक्त चाहिए भाई? बरसों से आप इस यकीन को तोड़ते हैं और चाहते हैं महीनों में बहाल हो जाए। इंतजार तो करना होगा, जाके नाश्ता कर ले वरना ठंडा हो जाएगा। ठंडा ही कर लूंगा नाश्ता। क्या हो गया नरगिस, अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रही है तुम, राशिद के साथ, इफ्रा के साथ? अरे दुश्मन तो आप सब लोग मेरे बन गए। एक तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से शक कर रहे हैं मुझ पर। मैं सब सुन चुका हूँ, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, और आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें, उसे और इफ्रा को खुश रहने दो और खुद भी सुकून से रहो, यही घर के लिए अच्छा होगा। मुझे पता था आप तो अपनी भतीजियों की साइड लेंगे, पहले समरा और अब ये इफ्रा। आपको पता नहीं है इफ्रा ने क्या कुछ नहीं किया। क्या हो गया नरगिस, तुम इफ्रा की कुर्बानी को भूल क्यों जाती हो? तुम्हारी शदीद ख्वाहिश थी कि राशिद इफ्रा की शादी हो, अब शादी हो गई है, दोनों साथ रहते हैं, तो तुम बिगाड़ क्यों कर रही हो रिश्ते के अंदर? शायद तुम जानती नहीं कि मियां बीवी के रिश्ते खराब करना शैतान का पसंदीदा अमल है। बहरहाल चलो उठो नाश्ते के लिए चलो। नहीं मुझे नहीं जाना। अगर तुम नहीं चलोगी तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे। चलो फौरन चलती हूँ। क्या तमाशे चल रहे हैं? जल्दी से आ जाओ नीचे। तबीयत कैसी है अब? बस ठीक हूँ। ताई अम्मी, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। ऐसे सूप मैं अपनी अम्मी के लिए बनाती हूँ जब वो बहुत बीमार होती हैं। बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी माँ की तरह सदा की बीमार नहीं हूँ, सब कुछ खा पी सकती हूँ मैं। चलिए सूप मैं पी लूंगा, इनके लिए हलवा पूरी मंगवा लो। लगता हमसे कोई गलती हो गई, हमने सही तरह आपको पूछा नहीं। अच्छा आइंदा नहीं होगा ऐसा, सही है, माफ कर रहे हैं। कैसी हो यार तुम, बच्चे तुम्हारे आगे बैठे हैं माफी मांग रहे हैं, कह दो कि तुमने माफ किया इनको। भाई किसी को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे नहीं मानेंगी ये। तो क्या करना होगा आप ही बता दें अम्मी। इन्हें बाजार लेके जाओ, 6-8 अच्छे से जोड़े दिलाओ कपड़े, ठीक हो जाएंगे। चलने ले चलता हूँ, आ जाए। पहले अपनी बीवी से तो पूछ लो। आप माँ हैं ताई अम्मी, आपका ख्याल रखने के लिए राशिद को मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, जैसे अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लो सुन लो। सही तो कह रही है फिरा, अच्छा चले ना, उठे ले चलता हूँ आपको। नहीं भाई मुझे नहीं जाना, ठीक होंगी तो चली जाऊंगी। तुम जाओ अपनी बीवी के पीछे जाओ, जाओ। मुख्तार साहब कुछ सीख ले इससे, अपने बेटे से ही सीख ले कुछ। मैं
नाइस। सुनो और चलो मेरे साथ। कहाँ? वो अम्मी को ले जा रहा था ना बाहर शॉपिंग पे। मैंने सोचा जब से शादी हुई है तुम्हें भी नहीं लेके गया, कुछ खरीद लोगी तुम, आ जाओ। हाँ तो अपनी अम्मी को लेके जाना, शायद वो मेरे जाने से नाखुश होंगे। एक तो ये औरतें खुद से पता नहीं क्या क्या सोच लेती हैं। साथ वक्त गुजारने से गलत फहमियां दूर होती हैं, अच्छा हो जाएगा। आओ पहले अपनी अम्मी से तो पूछ लें आप। मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, सबको पता है मेरा मीटर घूम जाता है। चलो। अच्छा आप जाए, मैं आ रही हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या हुआ है अम्मी को? मैं बस आ रही हूं। राशिद, राशिद किधर है? वो रिफरा बाजी तो वो चले गए। कहाँ? पता नहीं जी। तो तुमने पूछा नहीं किधर जा रहे हैं? बाजी मेरी क्या औकात कि मैं उनसे पूछूं? औकात तो मेरी दो कौड़ी की करके रखती है सिफरा की बच्ची ने। ऊपर से मुख्तार कहते हैं कि मैं उसका एहसान मानूं, बहू समझकर उसे इज्जत और मोहब्बत दूं। बाजी मुझसे कुछ कहा? कुछ नहीं। अचानक ही तबीयत खराब हो गई उसकी, मैंने ले लिया था ऑपरेशन का टाइम भी और घर का ब्यादा भी ले लिया था। खड़े खड़े गिर गए तुम्हारी माँ, मेरे खाम भी गिर गए सर। क्या हुआ क्या अम्मी को? हार्ट अटैक हुआ बाजी। आप फिक्र ना करें चाचा, सब ठीक हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं खामखा। आप यहाँ कुछ हो गया? अब खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें, मेरा दिल बैठ जाएगा। चची को कुछ नहीं होगा, हर चीज का इलाज निकल आया हुआ है, तसली रखें। राशिद आप पूछे ना किसी डॉक्टर से अम्मी के बारे में, वो बता देंगे। हाँ वो आगे डॉक्टर। सॉरी हम उन्हें नहीं बचा सकते। आपको तो बस मुझे नसीहतें करनी आती हैं कि मैं खुद को बदलूं, अपना मिजाज ठीक रखूं, इफ्रा के साथ नरमी से पेश आऊं, इफ्रा और राशिद का रिश्ता खराब ना करूं। मुझसे राशिद ने कहा कि मैं आपको शॉपिंग करवाता हूं, और इफ्रा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकर निकल गई उसे। आप और करें उसकी तरफदारी। अच्छा चलो उठो। नहीं नहीं मुझे अब कहीं नहीं जाना, बस नहीं करनी मुझे शॉपिंग। लिपस्टिक वगैरह साफ करो, कुछ सादी से कपड़े पहनो, फयाज के घर जाना। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना फयाज की तरफ, आपको जाना है तो जाएं अपने फयाज भाई जान और आफिया भाभी जान की तरफ, मुझे नहीं जाना बस। आफिया का इंतकाल हो गया है। अरे वो तो क्या क्या कह रहे हैं आप? राशिद का फोन आया था, हार्ट अटैक हुआ, बच नहीं सकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसकी बदतमीज बेटी इफ्रा
माँ की बीमारी का सुन के घबराहट में घर चली गई। अब चलोगी या मरी हुई देवरानी के कसीदे पढ़ोगी? और नहीं नहीं मैं चलती हूँ मैं। जाओ। हौसला करो भाई, हिम्मत करो, संभालो खुद को यार। कैसे संभालो भाई, मुझे संभालने वाली तो चली गई, मेरा हिम्मत हौसला सब कुछ, मैं बिल्कुल अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। चलो ना, आप अकेले तो नहीं है, हम सब हैं आपके साथ। मैं भी हूँ, अब्बा हैं, अम्मी हैं, फिर इफ्रा और सना भी तो है। 25 साल का साथ रहेगा, मेरी बीवी नहीं थी, मेरी जिंदगी की साथी थी, मेरी उस्ताद, मेरे हम को साथ, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता उसकी जगह। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल फयाज, किसी की कमी पूरी नहीं हो सकती दुनिया में, लेकिन इफ्रा के बारे में भी तो सोचो, तुम खुद को संभालो, उस पर क्या बीत रही होगी, पहले बहन चली गई अब माँ, क्या हाल होगा उसका, उसके लिए खुद को संभालो, वो कैसे संभालेगी खुद को? नहीं होगा मैं तो उसके पीछे चलता था, मुझे पकड़ पकड़ के चलाती थी, वो मेरा तो रास्ता ही खो गया। बस 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 बेटा, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा फैया, रोने से वापस नहीं आ जाते लोग। तुम पानी भिजवाओ और इफ्रा को देखो, वो ठीक है, मैं संभालता हूँ उसे। यकीन ही नहीं आ रहा आपको कोई इस दुनिया में मिल रही है। बीमार तो बहुत अरसे से थी, मगर यूँ अचानक चली जाएगी। बड़ी बेटी का गम खा गया बेचारी को, किसी जवान मौत थी उसकी, समरा की मौत का सुनते तो कलेजा मुंह को आता है। सच कह रही हो, जब से समरा इस दुनिया से गई है एक बार भी आफिया को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, जब भी मिली दुखी और उदास ही मिली। हाय अल्लाह नरगिस, इतना अच्छा लग रहा है, इतना नूर कहां से आ जाता है? वुजू का, इबादत का, नमाज का नूर है, इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं। आपका कमाल है, माशाल्लाह नमाजी हैं आप, इतनी नेक है। कौन नेक है कौन बद, ये तो अल्लाह ही जानता है, मैं तो बस ये चाहती हूँ जो इबादत करती हूँ अल्लाह मेरी वो कबूल कर ले।
जो दुआएं मांगती हूँ अपनी बच्चियों के लिए अल्लाह वो कबूल कर ले। सो जा मेरी बच्ची। इफ्रा, इफ्रा, क्या हो गया? पानी पिलाया इसको? इफ्रा, उठो उठो, होश करो, होश करो इफ्रा, होश करो, क्या हो गया? उठो उठो, शाबाश, सबर करो। मम्मी चली गई। चली गई, मम्मी गई, मुझे उनकी दुआओं की बहुत जरूरत थी। मम्मी क्यों चली गई? मम्मी गई लेकिन क्यों? राशिद, राशिद मेरी अम्मी चली गई है। सबर करो इफ्रत, सबर करो थोड़ा। देखो जो जो लोग चले जाते हैं ना, अगर उनका इतना शोक करो तो उनकी रूह को तकलीफ पहुंचती है। तुम जाती हो अम्मी की रूह को तकलीफ पहुंचे? मुझे मेरी माँ की बहुत जरूरत है। मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगी राशिद, मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। अम्मी क्यों चली गई? इफ्रा बस करो ना। अच्छा बस बस। दुआ करते हैं अम्मी के लिए, दुआ करते हैं। दुआ दुआ के लिए हाथ उठा, दुआ दुआ करो ना उनके लिए, दुआ करो, दुआ सबके हाथ उठाए दुआ के लिए। फातिहा पढ़े तीन दफा, खोल भी जाके थोड़ा आराम करो। आओ आओ शाबाश, उठो अंदर अंदर आराम करो।